हमारे अस्सलाम वालेकुम कैसे महोदय द्वारा और आज बताया मैं गया गया और मोहित यादव यहाँ पर कुश्ती हो रहा है। देखिए आपको जो उत्तर प्रदेश लोकेशन दिखाते हैं बनारस से चल करके यहाँ आए हुए हैं और दोनों का वही मेदनी चक नहीं बल्कि यहाँ भी कहा जाए यहाँ का इलाका में बिरयानी बहुत फेमस है। समय दिया गया है अब देखिए दिखाते हैं लोकेशन 9 मिनट के अंदर में निर्णय किसके पक्ष में आता है और हम जैसे दर्शक चलिए हम दिखा रहे हैं ताली की धवनी से कुश्ती विजय का माला किसके जो मोहित पहलवान है आहा लाल नंगोटा पर यह मोहित यादव आहा जो कबीर पहलवान जो काला नंगोटा पर है जो बनारस से चल करके हम लोगों के बीच में अपना कला प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित ये दोनों जोड़ा को यहाँ पर सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि सर्वप्रथम श्रीमती अमृता किस्कू जो इस पंचायत के मुखिया हैं, उसके बगल में मास्टर कलीम साहब उसके बगल में हम सबके जनप्रिय सम्मानित जिला पार्षद अर्थद्वाब संत साहब है, उसके बगल में जनाब मोहसिन कमर इस गांव के सबसे सब्रांत व पूर्व प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष हैं और हमारे दायां तरफ हम सबके प्रमुख युवा नेता आरजेडी के युवा जिला अध्यक्ष अंजर अहमद है उनके बगल में नए भाई बीच में देखिए रोहित मोहित जो लाल नंगोटा पर है किस ढंग से उनको दाव के रगड़न पर अखेड़ा से नीचे लाने का प्रयास किया लेकिन रहीम पहलवान भी कम नहीं था उनको पुनः बीच पर लाने का प्रयास कर रहा है। 9 मिनट का जो समय दिया गया था 9 मिनट में 3 मिनट समय इनका सभापति की तरफ से मात्र 6 मिनट का समय इनके पास बच रहा है अब देखिए इस समय के अंतराल में क्या कर पाते हैं। आहा एक तरफ मोहित पहलवान तो दूसरे तरफ रहीम पहलवान। मोहित पहलवान वाराणसी बनारस से चल करके आए हैं तो जम्मू कश्मीर से चल करके रहीम पहलवान हम लोगों के बीच में मुकाबले के मैदान में अपना कला प्रदर्शन को दिखला रहे हैं और हम जनता दर्शक के रूप में इस कुश्ती का आनंद ले रहे हैं। 9 मिनट के समय में 3 मिनट से अधिक का समय समाप्त हो गया है शेष 5-5.5 मिनट का समय बचा हुआ है। मैं तो अपने हिसाब से घड़ी देख रहा हूँ दर्शक से मेरा अनुरोध है आप भी सुई को नोट को देखेंगे ताकि किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो। आहा दोनों पहलवान को भाई जरासा जान में जान लाने के लिए एक बार ताली बजा दें आप लोग एक बार ताली बजा दें। आहा बीच में भाई देखिए भाई यह तो पहलवान भी जानता है और हम लोग भी बढ़िया से जानते हैं कि नीचे कुश्ती की मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन दिल है कि मानता नहीं वह हर बार नीचे आने का प्रयास करता है। आहा 4 मिनट का समय समाप्त हो गया है शेष 4 मिनट का समय बचा हुआ है शेष 4 मिनट का मात्र समय बचा हुआ है अब देखिए इस समय के अंतराल में क्या कर पाते हैं। आहा बहुत जानदार एक तरफ रहीम पहलवान तो दूसरे तरफ मोहित पहलवान लाल नंगोटा पर मोहित पहलवान तो काला नंगोटा पर रहीम पहलवान इस ऐतिहासिक अखाड़ा
मेथरी चक में अपना दम खम दिखा रहे हैं, यह देखने की बात है। बहुत बहुत मोहित पहलवान आहा नीचे भाई, मोहित पहलवान दाव के निशाने पर रहीम पहलवान को ले तो लिया, लेकिन चक्कर यह हुआ कि लिया भी तो स्थान पर नहीं बल्कि गैर स्थान पर। दिनेश यादव जी, समय बढ़ाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तीन मिनट का समय बचा हुआ है, मात्र तीन मिनट का समय बचा हुआ है। देखिए ओ भाई रहीम पहलवान साहब, हमारे बीच मिट्टी से जुड़ा कुश्ती का नियम कानून का बहुत ही एक्सपर्ट हमारे प्रमुख साहब बैठे हुए हैं, इसने हमको सिग्नल भी दे दिया कि तीन बार अगर गिरता है तो चौथे बार प्वाइंट के आधार पर, यहाँ प्वाइंट नहीं समझ में आएगा, यहाँ सीधे हार जीत का मामला बनता है, इसलिए उनका थोड़ा सा आप ख्याल कीजिए। दिनेश जी तीन बार समझ रहे हैं ना? हाँ वाह, एक दो थोड़ा सा ताली बजा कर गर्मी आ भी जाते। हाँ मार दे थोड़ा सा, देखिए लाल नंगोटा पर मोहित पहलवान तो काला नंगोटा पर रहीम पहलवान, हो सकता है कि दोनों एक ही तरह से प्रयागराज तक गया हो, इनके बाद पंजाब जाने का रास्ता अलग, बनारस तो पीछे ही रह गया। आहा, 2 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है, 2 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है, अब देख के इस समय के अंतराल में क्या कर पाते हैं। विजयी किसके पक्ष में? आहा, बीच में रहीम पहलवान आप एक बार नीचे आए भाई, मोहित जी आप एक बार नीचे आए, एक के बाद दो होता है, लास्ट में तीन होता है, चौथा बार निर्णय खुद दिनेश जी और जैनुल पहलवान सुना देंगे आपको। हमारे बीच भरत पंडित जी भी पधारे हैं, कमेटी की तरफ से इसका भी स्वागत है। समय समाप्त हो गया है, समय आप बढ़ा सकते हैं। अरे चलो न, चलिए पहलवान साहब चलिए, समय देखिए। अरे पैर खींचना इधर उधर जाना हो सकता है दाव का हिस्सा रहे, लेकिन नीचे जाना वह कोई हिस्सा नहीं बन सकता है। लगाओ दो ताली भाई, जोर से लगाओ दर्शक भाई, जरा सा जोर से हालात कर भाई, कम से कम पहलवान वाला ताली बजाइए जोर से। बराबर है, बराबर बेकार से हाँ बराबर है, आवाज हो रहा है, आवाज की बराबर आवाज कटा रो। हेलो नाम राम,
हिलो ना हिलो ना हिलिए हर हर रुक पाट कर देगा तब तो आवाज अकेला आ रही है आवाज थकी लो अरे हायर अल्लाह की डोर मारे वाला नहीं करो पहलवानी हुई थे। इस कुश्ती में विजेता होने के बाद ही प्राइज दिया जाएगा भाई, इसलिए कुश्ती को घायल करना है। टाइम समाप्त हो गया, टाइम समाप्त हो गया, टाइम समाप्त हुआ। अरे दो मिनट का टाइम करो, दोनों बराबर। अगर दोनों पहलवान की सहमति हो जाए, अगर आर पार की लड़ाई लड़ेगा तो फिर से मैं 1000 रुपए का प्राइज दूंगा। चलिए भाई, ये बहुत ही जबरदस्त हमारे कमेटी के सरगुन यादव के तरफ से, अगर आर पार चौपाल पहलवान मेदनी चक 10 मिनट का समय दिया गया। आहा, अरे रे रे रे, आहा, न न न, वाह वाह, नीचे भाई मान नहीं होगा, एक बार कसकर ताली बजाइए भाई। वाह वाह, अरे भाई नीचे नहीं होगा मान, नीचे आए, बीच आइए, बीच आइए दोनों। अरे हेलो ना उधर 10 मिनट तक ही है। अरे बालो मार दिया बाजी वो। वाह रे वाह, टिक्की क्या दाव। चौपाल पहलवान का यह तीसरा कुश्ती है और आहा, बीच में और यह बनारस के पहलवान है लाल लंगोटा पर, लाल लंगोटा पर यह बनारस के पहलवान है और 7 मिनट का समय दिया। पानी दीजिए भाई, पानी दीजिए, पानी दीजिए इधर का, पानी पहला गया लो। ये तीसरा कुश्ती हमारे प्रमुख अंजर हमाद और जिला परिषद युवा हमारे अर्षद साहब और पंचायत के मुखिया अमृता किस्कु, नौजवाना की धड़कन आरिफ। 3 मिनट, आहा, चौपाल यादव के यह तीसरा कुश्ती है, यह तीसरे नंबर पर यह बनारस के पाल। तीन मिनट समय समाप्त हो गया है, 6 मिनट समय बचा हुआ है, 6 मिनट समय बचा हुआ है। आप देखिए 6 मिनट के अंदर में बाजी, आहा, बीच में गए, बगल का माने भाई नहीं होगा। दिनेश जी कुश्ती पर ध्यान दे, कृपया कुश्ती पर ध्यान दे दिनेश जी। अरे भाई वो चलना नहीं है। जैनुल साहब जरा सा उस पर तो हिलो ना, हिलो ना। आहा, बहुत शानदार, लगाओ जोर से ताली एक बार भाई, लगाओ ताली। बीच में पहलवान भी जानता है कि नीचे कुश्ती की मान नहीं होती है, फिर भी जाने का प्रयास करता है, या उसकी राज मंत्रणा की बात है। 4 मिनट से अधिक समय समाप्त हो गया है,
पांच मिनट से कम समय बचा हुआ है, पांच मिनट से भी कम समय बचा हुआ है, जहां एक ओर लाल लंगोटा पर बनारस से चलकर के पहलवान इस ऐतिहासिक अखाड़ा गोड्डा जिला मेदनीचक में उपस्थित है, बड़ा ही सराहना हम करते हैं कि रामनवमी के अवसर पर हर वर्ष की भांति वर्तमान वर्ष भी यहां के आयोजन समिति ने मिट्टी से जुड़ा कुश्ती और इस परंपरा को इन लोगों ने जिंदा रखा है। यह अपने आप में बड़ी बात है कि बदलती खेलकूद के दुनिया में एक पुरानी बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार जानदार चलिए भाई जोरदार तालियों से लगा दीजिए। यह कुश्ती छोपाल यादव के पक्ष में चला गया। बैठ जा बेचारे, बैठ एक बार। अरे भाई एक बार रोज बाबा ने हाथ उठा के ताली बजाइए। एक रुक जाइए। अरे आप ना बैठ जाइए ना। अरे बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अभी देखिए, आहा, 12 मिनट का जो समय दिया गया था उनमें से 3 मिनट का समय समाप्त हो गया है, मात्र 9 मिनट, बल्कि 9 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है। आहा, कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। कौन किनको दांव पर लाने का प्रयास करता है यह भी दर्शक को समझ में नहीं आ रहा है। बस एक दूसरे को टोका टोकी क्या। आहा, पहलवान है कि पहलवान है वो है। अरे रे रे रे, क्या हुआ, तो हो गया। देखिएगा दिनेश भाई, आपकी आपकी नजर जो है ना अर्जुन की तरह वहां आना चाहिए। आहा, वाह रे भाई वाह। मोहसिन बाबू जरा सरसों का तेल ला दीजिए भाई थोड़ा। आहा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। इसी आपाधापी में 4 मिनट का समय समाप्त हो गया है, 4 मिनट का समय समाप्त हो गया, 8 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है। अब देखिए इस अवधि में कौन क्या कर पा। आहा, यह कुश्ती, यह कुश्ती पुलवामा, अरे पुलवामा का पहलवान है। जब टैंकर गिरा सकता है तो एक पहलवान को क्यों नहीं। वाह भाई,